डेप्यूटी सीएम अड़क है, हिंदुओं की जनसंख्या घटी तो लोकशाही पर खतरो, हिंदुओं की जनसंख्या घटी तो लोकशाही पर खतरो अंगे आप निवेदन पर हजी पर डेप्यूटी सीएम अड़क है। तो पहला ज निवेदन में कहूं कि तमारे आ निवेदन रेकॉर्ड करव हो तो कर लेजो, नोधव हो तो नोधी लेजो। एटले हजी पण तेओ जे पोताना निवेदन पर जारे प्रतिक्रिया मांगी तो तेओ हजी पण पोताना निवेदन पर अड़ग ज छे। व्यक्तिगत मानना ये देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना ये है और पूरी दुनिया का जो अभी चित्र है और हम सब जो देख रहे हैं उस हिसाब से देखिए तो उसी देश में डेमोक्रेसी यानी लोकशाही चलती है। जिस देश की बड़ी जनता, बड़ी आबादी वाली जनता, वो लोकशाही विचारों से प्रेरित है। मैंने इसलिए ये बोला है कि हिंदुओं की, भारतीय संस्कृति की और भारतीय प्रजा की ये विशेषता है कि वो स्वतंत्रता में मानती है, वो डेमोक्रेसी में मानती है और इसलिए ही आज़ादी की इतनी बड़ी लड़त, इतना बड़ा जंग सालों तक करने के बाद हमने अंग्रेजों को निकाला है। हजारों लोगों ने शहीदी दी है, हजारों लाखों लोग जेल में गए हैं और पूज्य महात्मा गांधी जी हो, पूज्य सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, सुभाष चंद्र बोस जी हो, भगत सिंह जी हो, या चंद्रशेखर जी हो, या वीर सावरकर जी हो, ऐसे कई लोगों ने, हजारों लोगों ने जो बलिदान दिया, ऐसे लोगों के कारण हमको ये आज़ादी मिली है, ये डेमोक्रेसी मिली है, ये न्यायतंत्र मिला है, ये जुडिशरी मिली है, ये संविधान प्राप्त हुआ है। पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने उनकी अध्यक्षता में जो संविधान हमने बनाया है उसके हिसाब से पूरे भारत का अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डेमोक्रेसी व्यवस्था है वो चलती है। और जो देश दुनिया में हम अभी देख रहे हैं जहाँ हिंदू जैसे लोग कम रहते हैं या उदारीकरण वाले या उदारता से सोचने वाले कम रहते हैं, सिर्फ हमारे लिए ही सब होना चाहिए, दूसरे को कोई जगह इस विश्व में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, या धर्म हो या कल्चर हो या किसी भी प्रकार की बात हो, हमारे सिवाय कोई नहीं। ऐसे विचारसरणी सोच वाले लोग दुनिया में जहाँ भी है वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ कोर्ट जुडिशरी वगैरह की स्वतंत्रता नहीं है, वहाँ सिर्फ एक धर्म का भी पुराने जमाने से जो चलता आता है वो कानून के हिसाब से सब चलता है। तो मैंने कल ये बोला है कि भारत की जो बहुमती जनसंख्या है जो अभी हिंदू है, तो जब तक हिंदुओं की देश में बहुमती रहेगी, उदारता विचारसरणी वाले हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा रहेगी, तब तक चुनाव और अलग प्रकार की व्यवस्था लागू रहेगी। और जिस समय जब भी देश में हिंदू कम हो जाएंगे, यानी कि उदार जो लिबरल थिंकिंग वाले लोग हैं वो कम हो जाएंगे और इस प्रकार के लोग बहुमत में आ जाएंगे कि हमारे सिवा और कोई सच्चा नहीं है, हमारे धर्म के सिवा कोई दूसरा धर्म होना नहीं चाहिए, हमारे कानून के सिवाय दूसरा कोई कानून होना नहीं चाहिए, हम जो कहे वही कानून है, हम जो बोले वही सबको करना है, महिलाओं को कोई स्वतंत्रता नहीं है, महिलाओं को कोई आज़ादी नहीं है, महिला आज़ादी से घूम नहीं सकती, पढ़ नहीं सकती, कुछ व्यवसाय कारोबार कुछ नहीं कर सकती, महिलाओं को सिर्फ घर में ही रहना है, पुरुष के गुलाम होके रहना है, ऐसी जिसकी सोच है ऐसे लोग जब दुनिया में बढ़ जाएंगे या बढ़ गए हैं वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। आज भी आप दुनिया के अलग अलग प्रकार के देश देखो, ये अफगानिस्तान सबसे लास्ट उदाहरण अभी का जो